हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन स्टार हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखिए किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। हमने आधा किलो कटहल लिया है, इसको इस तरीके से कट कर कर रख लिया है। ध्यान रहे, जब हम इसे कट करें तो अच्छे से हाथों पर सरसों का तेल लगा लें, ताकि ये हाथों से चिपके ना और आसानी से कट जाए। कढ़ाई हमने देखिए गैस पर रख दी है। गैस पर हमने 3-4 चमचे तेल डाला, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से इसे फ्राई करना है, उसके बाद इसकी सब्जी बनानी है। गैस हमने ऑन कर दी थी, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो एक बार में सारा फ्राई कर सकते हैं, या दो बार में, आपकी इच्छा है। मैं इसे एक बार में सारा फ्राई करूँगी। देखिए, अब इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। देखिए दोस्तों, कटहल फ्राई हो रहा है, जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में हमने लिए इसके लिए 4 प्याज हैं, ये 2 मीडियम साइज़ हैं, 3 बड़ी हैं। टोटल बड़ी साइज़ की प्याज है, मतलब ये 4, और 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और इतने 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं। इस तरीके से हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में डाल के। देखिए दोस्तों, कटहल हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज भूनेंगे। देखिए दोस्तों, हम उसी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे जिसमें हमने कटहल फ्राई किया था, वही तेल है ये। सबसे पहले ऐड करेंगे हम इसमें हींग और जीरा। अब इसके बाद प्याज का पेस्ट जो हमने फाइन करके रखा था, इसे ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज भून लिया। जब तक हम अपने मसाले देखते हैं, हमें इसमें जो जो यूज़ करने हैं, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम लेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे हम धनिया। देखिए, इसके लिए 2 चम्मच धनिया लिया है हमने। आधा चम्मच लेंगे हम कुटी हुई मिर्च, बाकी थोड़ी सी मिर्च हम इसमें, ये देखिए आधा चम्मच है इसमें देगी मिर्च। तो मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। देखिए दोस्तों, प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे कम से कम 3-4 मिनट तक, और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छे से पक जाए। अब इसे ढककर हम रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, मसाला हमारा भुन चुका है। हमने इसे कम से कम 4-5 बार बीच में चलाया है, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, कलर भी आ चुका है इसमें बहुत ही अच्छा। अब हम इसके अंदर कटहल डाल देंगे, जो हमने फ्राई करके रखा था। कटहल ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसे फिर से 3-4 मिनट के लिए कम से कम रख देंगे, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, और बनने में से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम इसे फ्राई कर चुके हैं तो ये पक चुका है ऑलरेडी। और ध्यान रहे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डाल दिया तो कटहल की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और इसे सरसों के तेल में ही बनाएं, सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। देखिए, अब हम इसे ढककर रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, कटहल की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। हमने इसे बीच में 3-4 बार चला दिया था, और इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे अच्छे से फ्राई कर लो तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखना, कटहल की सब्ज़ी बहुत ही ईजी है। मैंने बाहर के कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए, नॉर्मली जो घर में मसाले होते हैं मैंने बस वही ऐड किए हैं, और सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस तरीके से बनाना और बताना मुझे कमेंट में कि आपकी कटहल की सब्ज़ी कैसी बनी, और आपको मेरी कटहल की सब्ज़ी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।